मेरे भाई बहन मम्मी पापा सब कुछ मेरे बापूजी ही है। बापूजी की पूजा पाठ करने से मुझे बहुत सुख शांति मिलती है। हरिओम, मेरा नाम चौधरी संध्या है। मैं साबरकांठा की इडर की रहने वाली हूँ। मैं बापूजी का पाठ रोज करती हूँ। मुझे बापूजी के पाठ करने से खुशी होती है। एक बार बापूजी मेरे सपने में आए थे। मुझे कंधे पे खुजली हो रही थी। मैंने मम्मी को उठाया, लेकिन मम्मी उठी नहीं। फिर बापूजी मेरे पास आए। फिर बापूजी ने मेरा कंधा खुजलाया। फिर बापूजी चले गए। मुझे बापूजी के आश्रम में आने से खुशी मिलती है। जब मैं यहाँ आती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बापूजी जल्दी से आ जाओ। हरिओम, मेरा नाम चौधरी नीलम है। पहले हम बापूजी को नहीं मानते थे, लेकिन मेरे पापा अकेले ही मानते थे। जब हमने बापूजी का चमत्कार देखा, तब से हम 4-5 साल से बापूजी के साथ में जुड़े हुए हैं। बापूजी के चमत्कार जब देखे, तब से हम बापूजी को मानने लगे। पहले हमारे घर में इतनी शांति और सुख नहीं था। पहले मेरे मम्मी पापा और सब झगड़ते थे। हमारे घर में ऐसी शांति नहीं थी, लेकिन जब से हम बापूजी को मानने लगे, तब से हमारे घर में बहुत सुख शांति है। मम्मी पापा भी बहुत प्यार से रहते हैं। पहले मेरी पढ़ाई में भी दिमाग नहीं लगता था, मतलब जब से हम बापूजी को मानने लगे, मैं बापूजी का जप पाठ करने लगी, तब से मुझे पढ़ाई में बहुत मतलब रुचि आने लगी। जब मैं आश्रम में आती हूँ, मुझे शांति मिलती है और बहुत खुशी होती है। हमें खुश ही रखते हैं, कभी हमें दुख नहीं आने देते बापूजी। हमारे अपने भी हमें डुबाना चाहते हैं, लेकिन बापूजी की वजह से हम ऊपर है। हमारी फैमिली में मेरी 3 बहनें, मेरे मम्मी पापा और बापूजी के सिवा हमारा कोई नहीं है। संबंधन है, हम बापूजी के आश्रम में आए हुए हैं। मेरी 3 बहन हैं और वो हमारा भाई नहीं है, लेकिन मैंने बापूजी को राखी बांधी तो मुझे एक समय के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा भाई नहीं है। बापूजी मेरे भाई ही है, ऐसा मुझे लगा। बापूजी मेरे भाई बहन मम्मी पापा सब कुछ मेरे बापूजी ही हैं। बस बापूजी से मेरी यही प्रार्थना है कि बापूजी जल्द से जल्द लौट आए। हरिओम, मेरा नाम चौधरी भावना है। हम यहाँ पे आश्रम में आते हैं तो हमें बहुत सुख शांति मिलती है। मेरे पापा ने पिछले 6-7 साल से बापूजी की दीक्षा ली हुई है। मैं भी बापूजी का वेट कर रही हूँ। जब बापूजी आएंगे तब मैं भी बापूजी की दीक्षा लेना चाहती हूँ। बापूजी जल्दी से आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है। बापूजी की पूजा पाठ करने से मुझे बहुत सुख शांति मिलती है। जब से मैं बापूजी की भक्ति में लगी हूँ, तब मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। पापा जी ने दीक्षा ली हुई थी और हमने दीक्षा नहीं ली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हम बापूजी की भक्ति में लग गए और कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा होने लगा। बापूजी की कृपा से हमारी फैमिली बहुत खुश है। जब भी मैं आश्रम में आती हूँ मेरी फैमिली के साथ, तो मुझे आश्रम का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। शांति सुकून मिलते हैं यहाँ पे। बापूजी के आगे प्रार्थना करने से भी मुझे सुख शांति मिलती है और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द आ जाओ। अब और इंतज़ार मत करवाओ बाबूजी, जल्द से जल्द आ जाओ।